नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानी एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनकी बनाने की विधियां क्या होती है। छोटा लेक्चर था, कोई ज्यादा विशेष नहीं था। आज हम एक नया लेक्चर प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का जो 12वां चैप्टर है, जिसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड, है ना। तो लेसन नंबर 12, 12वां लेसन जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग दो। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग एक हम पढ़ चुके हैं, 11वां लेसन था, जिसमें हमने एल्कोहल और फिनोल और इथर के बारे में हमने बात की थी। इस लेसन में जो हम बात करेंगे, मुख्य रूप से हम बात करेंगे एक तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या है और इनको बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं उनको लेकर। एक हम बात करेंगे कीटोन और एक हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो इन तीन टॉपिक को लेकर हमारा जो ये चैप्टर रहने वाला है, और जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है बहुत काफी ज्यादा सिमिलर है, इसको हम देखेंगे। अगर मुझे कहा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12th के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग दो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं इसी चैप्टर से बनते हैं। बाकी जितने भी जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो देखिएगा, इसके आसपास ही घूमेंगे, यही इसी में कवर हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आपका जो 12th चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग दो, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक के बारे में बात करेंगे। कार्बोनिल यौगिक देखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड एक शब्द आता है कार्बोनिल यौगिक, कि सर ये क्या होते हैं कार्बोनिल यौगिक। देखिएगा, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं अपन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ द्विबंधित हो। कार्बोनिल यौगिक किसे कहेंगे, जिसमें C डबल बॉन्ड हो, यानी ऑक्सीजन जो है या कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के साथ अगर जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे दे सकते अपन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन, क्यों कह सकते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंधित हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या हो, द्विबंधित हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब देखिएगा, इसके अंदर ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल कार्बन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहलाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन, या ऑक्सो समूह भी बोलते हैं इसको, कार्बोनिल ऑक्सीजन, या इसे और क्या बोलते हैं, ऑक्सो समूह कहते हैं, ऑक्सो समूह। क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन, और ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब यहां हम सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, मिटा दें इसको, चलो। एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं, ठीक है जी। इससे पहले मैं समझता हूं हमें कार्बोनिल यौगिक के बारे में बात करना उचित रहेगा, उसके बाद अपन बात करेंगे। देखिएगा, कार्बोनिल यौगिक के बारे में इसकी अपन बात करते हैं, कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, जैसे इधर लिख देता हूं मैं R, C डबल बॉन्ड O या R, इधर से कोई सा भी समूह हो सकता है, अपन यूं कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इधर देखो R R हो जाएगा, अगर मान लो इधर मैं जोड़ दूं R, इधर भी मैं जोड़ दूं R, तो ये हो जाएगा कीटोन,
क्या हो जाएगा कीटोन, और मैं एक तरफ R सिंगल बॉन्ड O और एक तरफ क्या जोड़ दूं मैं H, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में, ये जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, कार्बोनिल जो समूह है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसको लेकर हम जो है सबसे पहले बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं कार्बोनिल समूह की, या जो आपका कार्बोनिल कार्बन है इसकी बात करें, तो यहां पर इसका जो संकरण होता है दोस्तों वो होता है sp2 संकृत होता है। ये कैसा होता है, sp2 संकृत होता है, कार्बोनिल कार्बन जो है ये sp2 संकृत होता है। देखिएगा, इधर बना देता हूं मैं C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है इसका संकरण होता है sp2 संकरण। यानी अगर हम बात करें टोटल कक्षक कितने हो गए, टोटल कक्षक जो हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल कक्षक हो जाएंगे कितने, 3 संकृत कक्षक हो जाएंगे, यानी एक s हो गया और 2 p कक्षक है। इस प्रकार से टोटल संकृत कक्षकों की जो संख्या है, टोटल संकृत कक्षकों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। जबकि अपन बात करें टोटल कक्षक कितने हो रहे हैं, 4, क्योंकि p के अंदर 3 कक्षक होते हैं, आपको पता होगा पी के कक्षक 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 कक्षक होते हैं। लेकिन यहां पर पी के केवल 2 ही कक्षक, केवल 2 ही कक्षक जो है संकरण में भाग ले रहे हैं, यानी चौथा जो कक्षक है वो क्या है, असंकृत कक्षक है। कौन सा है, असंकृत कक्षक। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो संकृत कक्षक है इसके, संकृत कक्षक क्या करेंगे, सिग्मा बंध बनाएंगे, क्या करेंगे, सिग्मा बंध। यानी यहां जो कार्बन जो है, अगर मैं बताऊं इसको, देखो इधर कार्बन जो है, देखिएगा इधर ये कार्बन हो गया इसका, देखिए ये sp संकृत कक्षक, ये भी कौन सा हो गया, sp संकृत कक्षक, और ये भी कौन सा हो गया, sp संकृत कक्षक। यानी 3 संकृत कक्षक थे और तीनों संकृत कक्षक क्या करेंगे, सिग्मा बंध बनाएंगे। यानी ये कौन सा हो गया, sp2 संकृत कक्षक, ये भी कौन सा हो गया, sp2, और ये भी कौन सा हो गया, sp2 संकृत कक्षक। जबकि जो चौथा जो संकृत कक्षक होगा ना, सॉरी चौथा जो कक्षक होगा वो क्या होगा, असंकृत होगा। कैसा होगा, असंकृत कक्षक, ठीक है। तो ये मैं बना देता हूं, ये है असंकृत कक्षक, जिसको मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूं, ये एक असंकृत कक्षक है, ये वाला जो चौथा जो कक्षक होगा वो क्या होगा, असंकृत कक्षक। अब देखिएगा, यहां पर इसके साथ कोई सा भी समूह जुड़ सकता है इधर, ठीक है, इधर भी। यानी ये कौन सा बंध बनाएगा, ये बनाएगा सिग्मा बंध, ये भी बनाएगा सिग्मा बंध, और ये भी कौन सा बनाएगा, सिग्मा बंध। अब इसके आगे कोई सा भी समूह हो सकता है, अगर मान लो कार्बन हो, मान लो तो अपन यूं कह सकते हैं ये कार्बन हो गया, अगर कार्बन होगा तो अपन यूं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चौथा जो संकृत कक्षक है ये क्या करेगा, सॉरी संकृत क्या, बार बार मेरे से मुंह से निकल रहा है, असंकृत कक्षक, ये बनाएगा पाई बंध। तो इसके लिए मैं समझने के लिए देखो यहां पे ले लेता हूं, जैसे मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, चलो कार्बन ना लेके ऑक्सीजन, देखिएगा ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का एक असंकृत कक्षक है, मान लो पी कक्षक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। तो इनके बीच में देखो क्या बनेगा, एक पाई बंध बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये ऑक्सीजन, समझना ध्यान से इधर, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में एकल बंध तो बन चुका है, देखो एक बंध तो ये बन गया। अब जो पाई बंध बनता है, अपन जानते हैं पाई बंध क्या होता है, समपार्श्व अति अपन होता है, इस प्रकार से जो अति अपन होता है उसे क्या बनता है, पाई बंध बनता है, क्या बनता है, पाई बंध। तो यहां पे भी क्या होगा कि इन दोनों में क्या होगा, अति अपन होगा, यहां थोड़ा अति अपन ऊपर होगा और थोड़ा अति अपन क्या होगा, नीचे होगा। तो यहां पर कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा, क्या बनेगा, पाई बंध। तो इस प्रकार से कार्बन के अंदर देखो आप देख सकते हो ये सिग्मा बंध, सिग्मा बंध और सिग्मा बंध, और ये क्या बन गया, पाई बंध। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या हो, 3 सिग्मा बंध हो और एक पाई बंध हो, वो कौन सा संकरण करता है, sp2 संकृत कक्षक। कौन सा कक्षक संकरण होता है उसके अंदर, sp2। तो अगर हम इसकी संरचना बना के देखें, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, अब थोड़ा अति अपन इसके अंदर ऊपर की तरफ होगा इस तरह से, और थोड़ा अति अपन क्या होगा, इस तरफ होगा इस तरह से, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसके संरचना के बारे में बात कर ली अपन ने। अब sp2 जो संकरण जो होता है, चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया जी, चलो। अब देखिएगा इसके अंदर अगर अपन बात करें कि जो sp2 जो संकरण होता है, इसके अंदर जो बंध कोण जो होता है, बंध कोण कितना होता है बताइएगा, sp2 संकरण के अंदर बंध कोण, sp2 संकरण के अंदर बंध कोण कितना होता है बताओ फटाफट, हाँ जी
मिटा दें। चलो अब अपन बात करते हैं इसके बंद की प्रकृति के बारे में। बंद की प्रकृति की अगर बात करें, इसको मैं लिखता हूं आपके सामने, देखिएगा। बंद की प्रकृति को अगर अपन बात करें, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये इधर किसी कहीं से भी किधर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोनिल यौगिक। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणता जो है कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है, बंद के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर तरफ क्या होते थे, विस्थापित। जिसके कारण ऑक्सीजन पर तो क्या आता है, आंशिक ऋणावेश। कार्बन पर क्या जाता है, आंशिक धनावेश। क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणता जो है कार्बन से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश। इस पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पर दो ध्रुव बन गए, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, यानी डाइपोल बन गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार का यौगिक हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय यौगिक। यानी अपन कह सकते हैं कार्बोनिल यौगिक कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। मिटा दें। चलो अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, देखिएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। और इधर लिखता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, इसको अपन बोलते हैं कीटोन। तो इसकी परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं, देखो, ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन की एक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट हो रही हो, हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट हो रही हो, ठीक है। ऐसे कार्बोनिल यौगिक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन की एक संयोजकता किससे जुड़ी हो, हाइड्रोजन से जुड़ी हो, और दूसरी संयोजकता किससे जुड़ी हो, एल्किल समूह से जुड़ी हो, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं एल्किल समूह। इसको क्या कह सकते हैं अपन, एल्किल समूह, ठीक है जी। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हो और दूसरी संयोजकता किससे जुड़ी हो, एल्किल समूह से, उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्योंकि इसकी जो एक संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ी होती है, इसलिए एल्डिहाइड जो है हमें हमेशा कहां मिलेगा, कार्बन श्रृंखला के सिरे पर मिलेगा, ये कभी बीच में नहीं मिलेगा, कभी भी बीच में नहीं मिल सकता, ठीक है। बात करें अपन कीटोन की, तो हो गया एल्डिहाइड। कीटोन की बात करें तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकताएं किसी कार्बन से जुड़ी हो, इधर भी ये कार्बन है, ये एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकताएं किसे जुड़ी हो, कार्बन से जुड़ी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। देखिएगा अब कीटोन के जो है अलग अलग प्रकार होते हैं, देखिएगा। जैसे हमने इथर के प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार से किसके प्रकार होते हैं, कीटोन के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, देखिएगा कीटोन के प्रकार, इधर लिखता हूं मैं, देखो कीटोन की बात करते हैं हम। कीटोन देखिए, एक तो होता है सरल या सममित कीटोन, और एक होता है मिश्रित या असममित कीटोन, असममित कीटोन। गुरुजी ये क्या होते हैं, देखो इधर मैं लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसके दोनों तरफ जो समूह जुड़े हुए हैं, क्या समान है या नहीं है, आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल समान है, और लिख लो C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या दोनों तरफ जुड़े हुए समूह समान है रे, आप कहोगे सर बिल्कुल कार्बन के दोनों तरफ जुड़े हुए दोनों समूह समान है, दोनों समूह क्या है, समान है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल या सममित कीटोन, जब दोनों तरफ जुड़े हुए समूह क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। अगली बात करते हैं असममित क्या होगा, अब तो गुरुजी समझ में आ गया कि इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जब दोनों तरफ जुड़े हुए समूह क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखो कैसे होगा, इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इधर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, इधर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, ठीक है जी। तो दोनों तरफ जुड़े हुए समूह अगर अलग अलग हो, देखो डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न,
ठीक है, कुछ भी समझ लो जो आपको समझ में आ जाए, जो अलग अलग हो तो क्या बोलेंगे उसे, मिश्रित कीटोन कहेंगे या असममित। और जब समान हो तो, समान हो तो क्या कहेंगे, सरल या सममित कीटोन इसे हम कहेंगे। ठीक है जी, क्लियर। तो ये तो हो गई कीटोन और एल्डिहाइड के बारे में सामान्य जानकारी। भाई एल्डिहाइड क्या होंगे, एल्डिहाइड क्या होंगे कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल कार्बन की जो एक संयोजकता है वो किससे जुड़ी हो, हाइड्रोजन से जुड़ी हो, और दूसरी संयोजकता किससे जुड़ी हो, एल्किल समूह से जुड़ी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है जी, क्योंकि उसकी एक संयोजकता किससे जुड़ी होती है, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं रह सकता, इसलिए क्या होता है, एल्डिहाइड हमेशा क्या होता है, सिरे पर होता है। कहां पे होता है, सिरे पर। दूसरी हम बात करते हैं, जैसे कीटोन की हमने बात की कि कीटोन में जो क्या होता है कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकताएं किसी एल्किल समूह से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन। कीटोन कहां हो सकता है, ये हमेशा बीच में मिलेगा, कभी बाहर आपको नहीं मिलेगा, कीटोन हमेशा कहां मिलेगा, बीच में। अब कीटोन के प्रकार हमने बात की, सरल या सममित, यानी जिसके दोनों समूह क्या हो, समान हो, वो सरल या सममित हो जाएगा, और मिश्रित जिसके दोनों समूह क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है जी, मिटा दे। चलो अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की विधि को लेकर, तो ये बनाते कैसे हैं हम, या पहले निर्माण की विधि से पहले हम बात कर लेंगे इनके नामकरण को लेकर, एक बार हम बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं हम। देखिएगा इनके नामकरण अपन लिखते हैं, सबसे पहले जैसे मैं बात कर लेता हूं आपके लिए एल्डिहाइड के नामकरण को लेकर बात कर लेते हैं अपन, एल्डिहाइड जो होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड देखिएगा, यह लिखता हूं मैं HCHO, खोल के लिख लो, चलो H C डबल बॉन्ड O और H, और खोल लो भले H C डबल बॉन्ड O, सीधा हो जा रहा भाई H। ठीक है जी, ये हो गया आपके, क्या हो गया, एल्डिहाइड, क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि बात करें अपन अगर सामान्य नाम की, सामान्य नाम अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, एक हो, यानी कार्बन कितना हो, एक, तो अपन क्या लिखते हैं, फार्म, क्या लिखते हैं, फार्म। अगर कार्बन की संख्या दो हो तो क्या लिखते हैं अपन, एसिड। अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, एक हो, तो अपन क्या लिखते हैं, फार्म। दो हो तो क्या लिखते हैं, एसिड। और बात करते हैं अयुपेक की, अयुपेक की बात करें अगर, तो इसमें अपन क्या लिखते हैं, एल लगाते हैं, यानी आईयूपीएसी जो नाम जो है, आईयूपीएसी नामकरण के अंदर अपन क्या लिखते हैं, इसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, एल, क्या लगाते हैं, एल जोड़ देते हैं। जितने कार्बन हो, जैसे मान लो कि मेथ है तो मेथेन प्लस एल, मेथेनेल। दो हो तो एथेन, एथेन प्लस एल, यानी एथेनेल। चलो बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, बात करते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कार्बन कितने हैं। आप कहोगे गुरुजी एक कार्बन है, एक कार्बन है, और सामान्य नाम में अगर एक कार्बन हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्म, क्या बोलते हैं, फार्म। ये क्या है, आप कहोगे सर एल्डिहाइड है, ठीक है, कार्बन एक है तो फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। अब बात करते हैं आईयूपीएसी की, आईयूपीएसी में क्या लगाते हैं अपन, एल, क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। तो कार्बन कितना है यहां पर, कार्बन एक है, और एक को क्या बोलेंगे, मेथेन, मेथेन प्लस एल, यानी मेथेनेल। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनेल, क्या हो जाएगा, मेथेनेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनेल, क्लियर। चलो अगला लिखते हैं, इधर देखो CH3CHO। अब मैंने इसको खोल के नहीं लिखा, देखो इधर खोल के लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया ना CHO, क्लियर। अब मैं कहूं कार्बन कितने हैं, आप कहोगे सर कार्बन दो है, कार्बन कितने हैं, कार्बन दो है, और दो कार्बन को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, एसिड, क्या कहते हैं, एसिड। तो एसिड प्लस एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। सामान्य नाम क्या हो जाएगा,
एसीटैल्डिहाइड, क्या हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड। अब बात करें सर आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी में कार्बन कितने दो, तो दो को क्या बोलते हैं मेथेन, मेथेन प्लस सॉरी एथेन, दो को क्या बोलते हैं एथेन, एथेन प्लस एल यानी एथेनेल, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका एथेनेल, क्या हो जाएगा एथेनेल। ठीक है जी, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लो तीन हो तो क्या हो सकता है, तीन को अपन क्या बोलते हैं प्रोपियोन, सामान्य नाम में जैसे इतना सामान्य नाम जरूरत नहीं है, जैसे तीन में लिख देता हूं, तीन हो तो क्या बोलते हैं प्रोपियोन, प्रोपियोन। ठीक है जी, चार हो तो क्या बोलते हैं ब्यूटर, क्या बोलते हैं ब्यूटर। पांच हो तो क्या बोलते हैं वेलेर, क्या बोलते हैं वेलेर। अगर पांच कार्बन होगा अगर यहां पर तो अपन बोलेंगे उसको वेलेरल्डिहाइड बोल देंगे, क्या बोल देंगे वेलेरल्डिहाइड। तो इतना मतलब नहीं पूछा जाता है। ठीक है जी, मिटा दे, चलो मैं ना आपको आईयूपीएसी नाम ही ध्यान रखना होता है, मिटाए, चलो मिटा दे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अच्छा चलो देखते हैं अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। देखिएगा CH3CH CH3CH2CHO, मैन आईयूपीएसी पे फोकस करो, सामान्य नाम का इतना कोई ज्यादा रोल नहीं है, सामान्य नाम का कोई ज्यादा रोल नहीं है। लगाओ एक बार दिमाग लगाओ इसका क्या हो सकता है, फिर बताते हैं अपन। लगाओ 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 लगाओ, देखिएगा जिस कार्बन से, सामान्य नाम में एक बार बता देता हूं फिर भी आपको, जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा होगा उसको अपन बोलेंगे एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, थोड़ा इसको डिजाइन से लिख देते हैं, बीटा कार्बन, बीटा से जुड़ा हुआ गामा कार्बन। अब बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है, बीटा पे जुड़ा हुआ है मेथिल, क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, तो क्या हो जाएगा बीटा मेथिल, क्या हो जाएगा बीटा मेथिल, बीटा पे जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा बीटा, बेटा नहीं रहे बीटा, बीटा मेथिल। अब बताओ कार्बन कितने हैं चार, चार को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं ब्यूटर, अभी बताया था मैंने ब्यूटर, तो क्या हो जाएगा बीटा मेथिल ब्यूटेरल्डिहाइड, क्या हो जाएगा ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड। गुरुजी समझ में नहीं आया, हटाओ नहीं आया तो जरूरत भी कहां है, मेन जरूरत पड़ती है किसकी आईयूपीएसी नामकरण की, कभी ये नहीं आएगा कि इसका साधारण नाम लिखिए, आएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो उसका देखते हैं ना यार, जिसको ज्यादा जरूरत है उसकी बात करते हैं ना अपन, है ना। देखो इधर आईयूपीएसी की बात करेंगे अपन, यदि आईयूपीएसी का नियम आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसे अपन क्या करेंगे श्रृंखला का भाग मानेंगे, यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको श्रृंखला का भाग माना जाता है और उसको न्यूनतम अंक दिया जाता है। यदि किसी श्रृंखला में क्या हो क्रियात्मक समूह हो तो उसको श्रृंखला का भाग मानेंगे, श्रृंखला क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो, यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो उसे श्रृंखला का भाग माना जाता है और उसको न्यूनतम अंक दिया जाता है। अब देखो ये है CHO, क्या इसके अंदर कार्बन है, आप कहोगे सर है, तो इसको अपन श्रृंखला में लेंगे, तो सबसे पहला नियम क्या होता है लंबी श्रृंखला लो, ये ले ली लंबी श्रृंखला, ठीक है। अब क्या करना है अंकन, इधर से करेंगे जिधर से क्या होगा क्रियात्मक समूह निकट होगा, और यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको श्रृंखला का भाग मानना ही है, और क्या करना है उसको कम से कम अंक देना है, ठीक है। तो इसको देंगे नंबर 1 2 3 4, दे दिया। सबसे पहले नाम किसमा लिखते हैं, सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिखता है प्रतिस्थापी का, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, प्रतिस्थापी कौन है यहां पर
आपको कि सर प्रतिस्थापी ये रहा जो श्रृंखला से बाहर लटका होता है वो होता है प्रतिस्थापी, ये हो गया प्रतिस्थापी, श्रृंखला से बाहर है, कौन से कार्बन पर है? नंबर तीन पर। तो नंबर तीन लिख दो पहले, फिर क्या लिखेंगे? मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। अब बताओ कार्बन कितने हैं? चार। चार को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और इसका क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड का क्या लगाते हैं? एल। तो ब्यूट प्लस एल यानी ब्यूटेन प्लस एल, तो थ्री मेथिल ब्यूटेनिल क्या हो जाएगा? थ्री मेथिल ब्यूटेनिल, सीधा सा निकाल सकते हैं अपन, थ्री मेथिल ब्यूटेनिल। अगला लिखते देखते अपन, एक दो लिखते एग्जाम्पल, फिर उसका अपन एक साथ करते हैं नामकरण। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, फिर इसको अपन करके देखते हैं। सी एच थ्री सी एच, यहां लिख देता हूं चलो मैं बी आर सी एच, इधर लिख देते हैं चलो अपन सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे, लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? ये हो गई आपकी लंबी श्रृंखला। अंकन करेंगे इधर से, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच हो गए। ठीक है, सबसे पहले अपने को लिखना है प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी जो श्रृंखला के बाहर होगा, ये श्रृंखला के बाहर है प्रतिस्थापी, ये श्रृंखला के बाहर है प्रतिस्थापी। ठीक है, अब सर प्रतिस्थापी यहाँ पर दो हो गए, किसको पहले लिखें? आपको पता होगा कि जब भी प्रतिस्थापी लिखते हैं किस हिसाब से लिखते हैं? अल्फाबेट के क्रम से लिखते हैं, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो, बी पहले आएगा, तो कौन से पे? नंबर चार पर, तो फोर ब्रोमो, फिर थ्री मेथिल, क्या हो जाएगा? थ्री मेथिल। अब बताओ कार्बन कितने? पांच। पांच को क्या बोलते हैं? पेंट, पेंटेन प्लस एल यानी पेंटेनिल, क्या हो जाएगा? पेंटेनिल। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड के नामकरण अपन कर सकते हैं। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि अपने को जो मेन टॉपिक है अपन उस पर फोकस करेंगे, मिटा दे। चलो अगली बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन? कीटोन की। देखिएगा, सामान्य पद्धति में जो कीटोन है इसको अपन क्या बोलते हैं? एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन। जैसे एसीटोन क्या होता है, देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसका फेमस नाम है एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। ठीक है, अब कभी कभी अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेथिल और ये मेथिल, डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। लेकिन ये आईयूपीएसी नहीं है, आईयूपीएसी में कैसे करेंगे अपन? कार्बन की संख्या के हिसाब से देखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू पे क्या है? ये है रा कीटोन, तो क्या बोलेंगे? टू कार्बन कितने? देखो इसका अपन क्या लगाते हैं? कीटोन का, कीटोन का अपन लगाते ऑन, ऑफ नहीं लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते, ऑन लगाते हैं। कीटोन का क्या लगाते हैं? ऑन। तो कार्बन कितने? तीन, एक दो तीन, प्रोपेन प्लस ऑन यानी प्रोपेन ऑन नंबर दो पे है, ऑन नंबर दो पे, तो टू प्रोपेन ऑन, टू प्रोपेन ऑन, क्या हो जाएगा इसका नाम? टू प्रोपेन ऑन। चलो मिटाएं, अगला देखते हैं। अब आईयूपीएसी नाम पे ही फोकस करेंगे, सामान्य नाम में कुछ ना रखा है। देखो इधर थोड़ा इसको नामकरण को फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच बी आर सी एच सी टू एच फाइव सी एच थ्री। ठीक है, ये रहा आपका क्रियात्मक समूह, इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। ठीक है, गुरु जी क्या करेंगे? सबसे पहले लंबी श्रृंखला लो, सबसे पहले लंबी श्रृंखला की, सर ये रही, ना 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 गलत हो गई, ये नहीं है। देखो इधर, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन हो रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, दो है ना सी टू, तो लंबी श्रृंखला ये नहीं होगी मेरे मुन्ना, लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये श्रृंखला अपन लेंगे। ठीक है जी, अगला आपने को क्या करना, इसको खोल के लिख लो रे, खोल के लिख लो, चलो सी टू एच फाइव होना तो इसको ऐसे लिख लो ना, सी एच टू सी एच थ्री। अब देख लो कोई आ गया ना इसके अंदर, दो कार्बन पांच हाइड्रोजन सी टू एच फाइव, अंकन करना है, अंकन करेंगे इधर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कहां मिलेगा, जो श्रृंखला के बाहर लटका हुआ होगा, कौन, नंबर फोर और नंबर फाइव के ऊपर। फोर पर कौन है, ब्रोमो, तो लिख दो फोर ब्रोमो। फिर फाइव पे क्या है, मेथिल, फाइव मेथिल, ठीक है। कार्बन कितने, सात, हेप्टेन और कीटोन कितने पे, नंबर तीन पे, तो थ्री हेप्टेनॉन, थ्री हेप्टेनॉन। आप चाहो ना तो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो फोर ब्रोमो फाइव मेथिल हेप्ट, हेप्ट थ्री ऑन, ये भी सही है। अगर किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है जी। तो ये हो गया कीटोन के नामकरण का तरीका। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके, ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां, एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की विधियों के बारे में बात करेंगे। एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां, ठीक है जी। कट तो नहीं रहा, मैं इस बार एक चेक कर लेता हूं, कोई नहीं है, क्योंकि फ्री टाइम में ही बनाना पड़ता है वीडियो, बाकी तो टाइम मिलता नहीं है, तो बाकी लगभग जब बनाते तो अधिकांश लोग जा चुके होते हैं यहां से। चलो ये ठीक है, बढ़िया है, अच्छा चलो। तो बात करते हैं अपन एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियों में, अपन सबसे पहले बात करेंगे उन विधियों के बारे में जिससे क्या बन सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, ठीक है। उन विधियों की बात करेंगे सबसे पहले जिसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, पहली जो विधि अपन बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले उन विधियों की बात करेंगे जिनसे क्या बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, उन विधियों की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो पहली जो विधि है आपकी एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा पहली विधि है एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। मैं इसके लिए यही कहूंगा कि एल्कोहल, अच्छा ये गलत हो गया, एल्कोहल हो गया क्या, एल्कोहल, ठीक है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं अपन 11वें पाठ के अंदर एल्कोहल के रासायनिक गुण है वहां पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन आपको पता नहीं है, चलो मैं बता देता हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। देखिए प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है, इसका अपन क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। प्राथमिक एल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करवा सकते हैं अपन, और यहां पर क्या हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है, माध्यम दोनों हो सकते हैं अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। जब हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो देखो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये दोनों, ये हाइड्रोजन निकलेंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे, और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, CH3, ये दोनों निकल गए तो क्या बचा, CHO, क्या बचा, CHO प्लस, बाहर क्या निकला, यहां से दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यानी H2O। ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें कहूं कि ये जो एल्कोहल है ये कौन सा एल्कोहल है, आपको कहोगे गुरुजी जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री एल्कोहल है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। अगला देखो,
CH3 और ये OH, ठीक है। और इसका भी अपन कराएंगे, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। यहां से दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये वाला भी निकलेगा, देखो इधर थोड़ा खोल देता हूं मैं, ये O और ये H, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे और ये ले लपकेंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो क्या निकला, H2 और O, H2O बाहर, तो इधर बचा गया देखो CH3, ये कार्बन, और इधर क्या बचा, ये CH3, और ये डबल बॉन्ड के साथ क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। मैं कहूं कि ये जो एल्कोहल है, इसको फिर से मिटा रहा हूं, देखो मैं, ये जो एल्कोहल है कौन सा एल्कोहल है। अब आप कहोगे गुरुजी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया 2° या द्वितीयक एल्कोहल। यानी मैं कह सकता हूं कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाएगा, जब प्राथमिक या 1° या प्राइमरी जो भी कर दो, जब प्राइमरी यानी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे यानी ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और जब 2° यानी द्वितीयक एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर एक समस्या है, यहां पर एक समस्या यह है कि जो एल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, ये फिर से ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इसलिए यहां पर अपन पीसीसी का उपयोग करते हैं, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का उपयोग करते हैं, पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो इधर फिर से लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 OH, इसका अपन क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। और ये बन जाएगा CH3 CH2, ये फिर से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, फिर से ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 COOH बना देगा। अपने को अभिक्रिया को यहीं पर रोकना है, अपने को अभिक्रिया को यहीं पर रोकना है, ठीक है, कि ये एल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो अपने को बनाना ही नहीं है, लफड़ा हो गया, अपने को यही बनाना है, अभिक्रिया को यही तो रोकना है। तो अपन क्या मिला देंगे इसके अंदर, पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या मिला देंगे, पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। सूत्र क्या होगा इसका, Cr2O3.C2H5.HCl, C5 पिरिडिनियम यानी C6H5, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, पिरिडीन, हाँ गलत, ये हो जाएगा आपका C5H5N.HCl, क्योंकि पिरिडीन तो अपन पढ़ चुके हैं 10वें पाठ के अंदर, ऐसा होता है ये पिरिडीन, देखो मैंने बताया था, मैं खुद ही चूक गया, देखो कोई बात नहीं, मानवीय स्वभाव है, गलती हो जाती है, इतना लोड नहीं, ये होता है पिरिडीन, है ना, C5H5। तो ये होता है पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, मिटा दे, चलो पीसीसी का उपयोग अपन करते हैं इसके अंदर, क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डिहाइड बनाते समय प्राथमिक एल्कोहल के दौरान पीसीसी का उपयोग यानी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो एल्डिहाइड है ये आगे ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है, अतः इस अभिक्रिया को रोकने के लिए इसमें पीसीसी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पीसीसी मिलाते हैं। तो ये तो पहली विधि हो गई आपके एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण किया अपन ने, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया, किसका निर्माण किया, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया। अगली हम बात करते हैं ओपेन और ऑक्सीकरण, किसकी बात करते हैं, ओपेन और ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ओपेन और ऑक्सीकरण क्या होता है, देखो ओपेन और
ऑक्सीकरण। देखो ये क्या होता है ओपन और ऑक्सीकरण, इसके अंदर अपन क्या करते हैं एल्कोहल होता है एक, तो ये हो गया एल्कोहल, और इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, एसीटोन के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं एसीटोन के साथ, किसकी उपस्थिति में, तृतीयक एल्युमिनियम ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में, तृतीयक एल्युमिनियम ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में। देखिएगा CH3CO ये होता है तृतीयक एल्युमिनियम ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा एक, तो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है आगे जगह नहीं है, R C डबल बॉन्ड O R, और ये हो जाएगा आपका CH3 और OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन और ऑक्सीकरण, क्या हो गया ओपन और ऑक्सीकरण, ठीक है जी। तो ओपन और ऑक्सीकरण इसमें अपन क्या करते हैं, इस विधि का जो उपयोग करते हैं अपन क्या करते हैं, कीटोन का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए इस विधि का उपयोग अपन करते हैं ओपन और ऑक्सीकरण का। अगली जो विधि आती है यह आती है एल्कोहल के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्कोहल के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगली विधि जो है वो है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, देखिएगा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कैसे करेंगे अपन, उत्प्रेरकी यानी कॉपर की उपस्थिति में, ठीक है, एल्कोहल की जो वाष्प है उसको अपन क्या करते हैं कॉपर की उपस्थिति में क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या होता है हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। एल्कोहल की जो वाष्प, देखो मैं ले रहा हूं प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2 और OH, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया प्राथमिक एल्कोहल, इसको मैं क्या करूंगा कॉपर की उपस्थिति में क्या करूंगा गर्म करूंगा, क्या करूंगा गर्म करूंगा, तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कॉपर की उपस्थिति में इसको अपन क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका CHO, क्या हो जाएगा CHO, यहां से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए CH3CHO हो गया, ठीक है, और बाहर क्या निकल गया H2, ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ठीक है। तो अगर अपन क्या करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल का यानी प्राथमिक एल्कोहल का क्या करेंगे विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे और क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल, देखो द्वितीयक एल्कोहल यानी CH3CHOH और ये CH3, तो यहां से भी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा कीटोन CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा H2, ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखो निकलकर सामने आती है कि यदि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाएगा या विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्राथमिक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करवाएं या विहाइड्रोजनीकरण करवाएं क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा, और यदि द्वितीयक एल्कोहल का अपन ऑक्सीकरण करवाएं या विहाइड्रोजनीकरण करवाएं क्या निकलेगा क्या बनेगा कीटोन बनेगा। अब आप कहोगे गुरुजी बात तो एक ही है ना, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीकरण का वो बात तो एक ही है, तो देखो पहले मेरे लाडलू पहले हमने क्या लिया था ऑक्सीजन लिया था, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन निकल रहा था ना, ठीक है, और यहां पर देखो हाइड्रोजन अकेला जा रहा है, यहां पर पहले क्या बन रहा था H2O बन रहा था, ठीक है, आपका कहना मानना सही है बिल्कुल कि जैसे अपन ऑक्सीकरण करवाएं या विहाइड्रोजनीकरण का मतलब ही क्या होता है ऑक्सीकरण ही तो होता है भाई, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें भी हाइड्रोजन निकल रहा था इसमें भी निकल रहा था, बट निकालने के जो तरीके थे ये थोड़े क्या हो गए डिफरेंट हो गए भिन्न भिन्न हो गए, क्लियर। अगला आता है एल्केनोइक अम्ल के शुष्क लवण से, एल्केनोइक अम्ल के शुष्क लवण से बनाते हैं, मिटा दे इसको, एल्केनोइक अम्ल के शुष्क लवण या जिसे अपन बोल सकते हैं एल्केनोइक अम्ल का कैल्शियम लवण, एल्केनोइक अम्ल के कैल्शियम लवण से अपन बनाएंगे, एल्केनोइक अम्ल के कैल्शियम लवण से, देखिएगा एच सी डबल बॉन्ड, थोड़ा इसको व्यवस्थित लिख देते हैं, एल्केनोइक अम्ल के कैल्शियम लवण से कैसे बनेगा, देखो इधर ये एच
सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये इसको भी थोड़ा सीधा लिए अपन, ओ ये कैल्शियम, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ये कैल्शियम, यह कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम फॉर्मेट। ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, देखो ऐसे, तो क्या निकलेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या निकल जाएगा, एच सी ओ एच, एच सी ओ एच क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और बाहर क्या निकलेगा, देखो सी ए, और कार्बन और ऑक्सीजन कितनी, तीन, सी ए सी ओ थ्री, बाहर क्या निकल गया, सी ए सी ओ थ्री, बाहर क्या निकल गया, सी ए सी ओ थ्री जो है यहां से बाहर निकल गया। ठीक है जी, क्लियर, मिटा दें, मिटा दें। चलो अगला, अगर अपन मान लो कि इसके कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पे अपन दूसरा कोई, मान लो कि कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पे कैल्शियम एल्केनोइड ले ले और उनका मिश्रण ले, कैल्शियम एल्केनोइड का क्या ले, मिश्रण ले, तो क्या होगा, देखो मिटा दे, कैल्शियम एल्केनोइड का मिश्रण, एक अणु नहीं मिश्रण लेंगे, कैल्शियम एल्केनोइड का क्या लेंगे अपन, मिश्रण, तो देखिएगा क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ए, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ये सी, ये हो गया कैल्शियम एल्केनोइड, क्या हो गया, कैल्शियम एल्केनोइड, और इसके साथ में अपन क्या ले लेते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं, सी ए ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच और ये एच, ठीक है, जैसे उसको तोड़ा था इसको भी वैसे का वैसे ही तोड़ दो, जैसे उसको तोड़ा था इसको भी वैसे का वैसे ही तोड़ दो, देखो इधर तोड़ो इसको भी, ये तोड़ दिया, ठीक है, इसको भी तोड़ दो, ये तोड़ दिया। अब उल्टा देखो, नजर को तिरछा घुमाओ, इसको ले जाओ नीचे और इसको ले जाओ ऊपर, ध्यान से देखना, आर, अब समझना, इसको नीचे ले जाना इधर, देखिएगा आर फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर नीचे चलो 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 क्या मिलेगा, एच, ये एच, ठीक है, इसको ले जाओ ऊपर, देखो क्या है ये, आर ऊपर चलो उधर क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। सर दोनों चीजें सेम मिल रही है, तो मिल रही है बिल्कुल, तो दोनों को मैं एक साथ लिख दूं, समझना ध्यान से, समझवाइया, इधर से नीचे उधर से ऊपर जाओ, ठीक है, तो दोनों को एक साथ लिख देता हूं, टू आर सी एच, क्या बनेगा, एक तो अपने पास टू आर सी एच ओ प्लस, बार क्या निकला देखो, सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री यानी प्लस टू सी ए सी ओ थ्री, ये निकलेगा यहां से, कोई दिक्कत, क्लियर। तो अगर मिश्रण लेंगे तो भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब अगर मैं क्या करूं, मिश्रण लू ही नहीं, मैं इसको हटा दूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तरीके से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, चलो अब अगर मान लो मैं इसका मिश्रण लू ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, देखो ये मिश्रण नहीं लेते अपन, अब क्या बनेगा देखो, इधर अगर इसको अपन हटा दे तो अब क्या बन रहा है बताओ, R सिंगल बॉन्ड O R, पहले अपन ने मिश्रण लिया था, अपन मिश्रण नहीं ले रहे, अब मिश्रण नहीं ले रहे हैं तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O और ये नीचे क्या है R, और बाहर क्या निकल जाएगा बताओ, सी ए सी ओ थ्री। सर ये तो बहुत शानदार चीज बन गई, कीटोन बन गया, ये तो कमाल की चीज है, हा? ठीक है जी, तो ये इस प्रकार से क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन। अगला आता है अपन एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, किसके द्वारा, एल्कीन के ओजोनी अपघटन के द्वारा अपन बात करते हैं कि उससे क्या बनेगा, देखो एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, मिटा दे, चलो इंपोर्टेंट कर देना, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, ए
एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा या अपघटन से, यानी इसमें अपन क्या करते देखो, या आपने इलेवंथ में भी पढ़ चुके हो आप एल्कीन के रासायनिक गुणों के बारे में, 13वां जो चैप्टर है आपका इलेवंथ के अंदर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जब अपन क्या करते हैं कि एल्कीन की क्रिया अपन किससे कराते हैं, ओजोन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं ओजोन से, तो किसका निर्माण होता है, ओजोनाइट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है ओजोनाइट का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं एल्कीन, देखो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया कराऊंगा किसके साथ में, ओजोन के साथ, तो क्या बनेगा ओजोनाइट बनेगा, क्या बनेगा ओजोनाइट। क्या करेंगे, द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, ठीक है। तो जहां पर द्विबंध हटेगा उस कार्बन पे क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। देखो इधर ये कार्बन, अब मैं इसको खोल के लिख रहा हूं, देखो इस कार्बन के ये दोनों हाइड्रोजन, तो मैं इसको थोड़ा समझने के लिए इधर लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन लगाएंगे, ये लगा दो, ये ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। अगला ये कार्बन है देखो, ठीक है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लगा दो, ये लगा दी, और ये तीन ऑक्सीजन है, ये इस प्रकार से एक मंदिर जैसी संरचना बनेगी, ये तीन ऑक्सीजन लग गई, ये इस प्रकार से टूट जाता है, इसको अपन बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका कराते हैं अपन जल और जिंक की उपस्थिति में अपघटन, Zn+H2O, Zn+H2O, तो क्या होगा कुछ, देखो ये इस प्रकार से टूटेगा ओजोनाइट, देखना इधर ध्यान से। ये टूट गया, टूट गया, थोड़ा इसको दूर रखते हैं, टूट गया, तो ये क्या बना, देखो HCHO, क्या बना यहां से HCHO, और ये भी क्या बनेगा HCHO, यानी कितने बन गए, दो अणु बन गए, कितने बन गए दो, इसको मिटा दूं मैं, यहां लिख देता हूं, चलो देखो ये भी HCHO, ये भी HCHO, यानी क्या बना 2HCHO प्लस, देखो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जाएगा जल के साथ, तो ये बनेगा क्या बनेगा H2O2, और इसके साथ क्या करेगा कौन, जिंक फिर से Zn, तो ये बना देगा H2O+ZnO, ये तो अतिरिक्त बात हो गई, लेकिन यहां पर बना क्या अपना एल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड बना। अगर मैंने यहां पर क्या लिया, एथीन ली, क्या ली एथीन, तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि एथीन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, एथीन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो एथीन से फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे बनाएंगे, एथीन से फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अपने को दूसरा एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करेंगे, अगर दूसरा एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करेंगे, मिटा दे इसको, देखो अगर दूसरा एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करेंगे इसके अतिरिक्त, तो अपन दूसरा एल्कीन ले लेंगे, ठीक है। मैं दूसरा ले लेता हूं, जैसे मान लो इधर देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ले लिया, ठीक है। इसकी क्रिया अपन कराते हैं, ऊपर वाले को मिटा देता हूं एक बार में, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किससे, ओजोन से करवाते हैं। अब देखो क्या होगा, यहां से देखो इसकी क्रिया कराओ ओजोन से, O3, ठीक है। वही तरीका, द्विबंध हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, जहां से द्विबंध हटेगा वहां ऑक्सीजन लगेगा, तो देखो इधर ये, अब मैं लिख रहा हूं इसको खोल के ऑफिस, ये कार्बन, ये वाला एक तरफ क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक तरफ क्या लगा हुआ है CH3, फिर ये कार्बन एक तरफ क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक तरफ क्या लगा हुआ है CH3, दोनों के बीच के बंध तोड़ दिए, और क्या लगाना है ऑक्सीजन, लगा दो ये ऑक्सीजन, और एक ये नीचे लगा दो ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, ठीक है जी। प्रोसेस वही है, जिंक और H2O की उपस्थिति में क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे अपघटन कराएंगे, ठीक है। तो क्या टूटेगा, देखो इस तरह से टूटेगा ये, और ये कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, तो क्या बन रहा है CH3CHO, क्या बन रहा है, इधर लिख रहा हूं मैं देखो CH3CHO, इधर से भी क्या बन रहा है देखो
CH3CHO, यानी दो बार निकल गए ना यहां से, दो निकल गए तो यहां मैं लिख सकता हूं इसमें इस तरह से 2CH3CHO। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, एसिटेल्डिहाइड बन गया। अब क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है जी, मिटा दे। चलो सर, अगर अपने को एल्किन से अगर कीटोन बनाना हो तो क्या करेंगे, उसकी भी टेंशन लेने नहीं है, उसका भी इलाज है। अगर एल्किन से क्या बनाना हो कीटोन, तो क्या करो, यहां से दोनों हाइड्रोजन को उड़ा दो, ये काम नहीं आएंगे यहां से। चलो तो एल्किन से कीटोन भी बना के देखते हैं कैसे बनता है, मिटा दें। चलो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है कि जिसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत इजी है रे, बहुत इजी है, मजेदार चीज है। हाँ, मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखो इधर, ठीक है, तो मैं भी बिल्कुल फ्री माइंड से, खुले मन से पढ़ा रहा हूँ, मजे लेते हुए पढ़ा रहा हूँ, तुम भी मजे लेके पढ़ो। हाँ? ना मुझे कुछ मिल रहा है, ना तुम्हारा कुछ लग रहा है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि बच्चे कुछ सीखे, तुम्हारा उद्देश्य है कि तुम कुछ सीखो, उद्देश्य एक ही है ना, तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, देखो इधर अपनी ये वाली एल्किन लेते हैं, इस प्रकार की एक CH3 डबल बॉन्ड, CH3 CH3, इसकी क्रिया कराते हैं किससे, ओजोन से। तरीका वही, द्विबंध हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है, आओ इधर आओ, लगाते हैं, द्विबंध हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है, तो हटा दो इनको, ये वाला कार्बन देखो इधर लिख रहे हैं अपन, ये वाला कार्बन, ये वाला क्या जुड़ा हुआ है, CH3, जोड़ दो CH3, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है CH3, इसको भी तोड़ दो, इधर लिख दो, ये लिख दिया, क्या जुड़ा हुआ है CH3, लिख दो। अब क्या करना है सर, ऑक्सीजन लगानी, लगाओ 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 लगाओ, ये लगा दीजिए। अरे सर अब तो सीख गए, अब तो मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये लो बढ़िया सा बन गया, देखो शानदार है रथ। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब वही तरीका, जल और जिंक की उपस्थिति में तोड़ो 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 इसको तोड़ो, ये टूटा ये टूटा, क्या निकला, CH3CO CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इधर भी क्या निकला, ये वाला देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों सेम है तो मैं इसको क्यों ना ऐसे लिख दूं, यहां पर 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि सर यहां पर ये आप C डबल बॉन्ड O कैसे लेके आ रहे हो, उसमें भी लेके आए इसमें भी लेके आए। अरे बोलो, जब दो सिग्मा बंद टूटते हैं, देखो ये बंद भी टूट रहा है, तो ये वाला टूट रहा है और एक ये टूट रहा है, जब दो सिग्मा बंद टूटते हैं तो एक पाई बंद बनता है, जब दो सिग्मा बंद टूटते हैं तो एक पाई बंद बनता है। ठीक है, जब दो सिग्मा बंद टूटेंगे, एक तो ये टूटेगा और एक ये टूटेगा, तो दो सिग्मा बंद टूटेंगे तो एक पाई बंद बनेगा, एक ये टूटेगा और ये वाला टूटा तो यहां पर ये बनेगा पाई बंद। अब देखो क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है CH3CO CH3। सर ये ऑक्सीजन कहां गया, ये वाला तो गया रे, ये वाला किसके पास गया बताते हैं, अभी देखा था हमने, ये जाएगा किसके साथ, जल के साथ, और क्या बनाया था, क्या बनाया था, H2O2, और इसकी क्रिया किससे हुई थी, जिंक से, पहले बता दिया था क्या बनेगा, H2O+ ZnO। तो ये हो गया एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, किससे, एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
मिटा दें। चलो मिटा देते हैं। अगला आता है एल्काइन के जलयोजन द्वारा, मिटाएं एल्काइन के जलयोजन द्वारा, यानी एल्काइन में किसका योग कराएंगे, जल का योग कराएंगे। हाँ वही रामदेव वाला कह सकते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्काइन में किसका योग कराएंगे, जल का योग कराएंगे। एल्काइन देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, थोड़ा आगे लिख देते इसको ताकि कोई समस्या ना हो आपके भी। देखिएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अपन कराएंगे क्या कराएंगे, इस पर जल का योग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, जल का योग, किसकी उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl सॉरी H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां पर ये CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा OH, ठीक है। इस प्रकार की एक संरचना बनती है, इसमें क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, ये एक ऐसा ही होता है, इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है, ठीक है। तो यहां से ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, पुनर्विन्यास होगा, तो ठीक है यहां लिख देता हूं मैं, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये CH3 और ये क्या बन जाएगा CHO, ये CH तो ही है और ये हो गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, तो क्या हो गया CH3, अब ये बंद टूटेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CHO। क्लियर, कंप्लीट। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया एल्डिहाइड, क्या हो गया एल्डिहाइड। इसी प्रकार से अगर अपन क्या ले लें, अगला एल्काइन लेते हैं, मिटा दे इसको, चलो अगला दूसरा ले रहा हूं, देखो मैं जैसे यहां पे ले रहा हूं मैं, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH और H2O, तो ये क्या होगा, देखना इधर ध्यान से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में RC, ये तो है ही है, तो ये तो है ही है, इसके नीचे इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका OH, ठीक है जी, आया ना समझ में। अरे भाई ये सी डबल बॉन्ड सी, तो ये तो था ही, ये वाला सी हो गया, इसके साथ क्या लग रहा है आर, यहां से ये बंद टूट गया और ये क्या हो गया CH, एक हाइड्रोजन यहां से इसके साथ लग गया CH2, तो क्या बचा OH। अब इसका भी क्या होगा, पुनर्विन्यास, यानी ये हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आगे लिख देता हूं, चलो ये तो आ जाएगा, देखो ये आर, ये लिख दिया मैंने आर, अब ये हाइड्रोजन यहां क्या हो गया CH3, क्या हो गया CH3 और ये बीच में क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3, यानी ये क्या बन गया आपका कीटोन, क्या बन गया कीटोन, ठीक है। तो ये हो गया आपके एल्काइन के जलयोजन द्वारा, इसको भी लिख देता हूं मैं आगे, चलो पुनर्विन्यास अभिक्रिया से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, ये CH3CHO, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो भी आपके ध्यान में रहे, ठीक है जी। ये क्या होता है, पुनर्विन्यास हो रहा है, पहले एल्काइन का क्या होगा जलयोजन होगा, फिर क्या होगा पुनर्विन्यास, यानी रीअरेंजमेंट, क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, इसके बाद इसका निर्माण होगा। क्लियर, मिटा दें। तो ये हमने देखी थी कुछ प्रमुख विधियां हैं, और भी विधियां आपके कोर्स में दे रखी है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आगे की जो विधियां हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और अगली क्लास में इनकी जो विधियां जो है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो काफी चीजें सिमिलर है, एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, यानी अगर जैसे अगर एच हटेगा और एच की जगह अगर आर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, इसलिए 98% अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड और कीटोन की आपको लगभग क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। कुछ अभिक्रियाएं जो डिफरेंट होगी या बनाने की जो विधियां अलग होगी उनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी लगभग अप्रोक्सीमेट ज्यादातर विधियां क्या है सेम है। बहुत मजेदार चैप्टर है ये और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, यहां से अगर इसको आपको अच्छे से कर लिया तो आपके लगभग ये समझ लो कि बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है मोस्ट ऑफली आपको इसके अंदर वापस मिलने वाली है, ठीक है। तो आप पूरे इस चैप्टर को व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और पढ़ाई करते रहें, और तो क्या कहूं मैं,
ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद होगी। अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी आए तो करो, आपकी मर्जी आए तो ना करो। आप वीडियो को लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, जो मर्जी पढ़े करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन तुम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला, बिना पढ़े कभी भी काम नहीं चलने वाला। ठीक है, कहते ना करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। फिर मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, सर्दी बढ़ गई है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, कुछ खाते रहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ताकि आप हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें, और आपका माइंड भी क्या रहे, स्वस्थ रहे। एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, जरूर आपके कदम चूमेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका एक ही तरीका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो विदा लेते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।